अच्छा लाइसेंस मंगवा लीजिएगा, जो आपने फीस भरी होगी ना सिंध फूड अथॉरिटी की सिंध बैंक में, वो मंगवा लीजिएगा, और मेडिकल रिकॉर्ड अपने वर्कर्स का मंगवा लें। कदरतन यहाँ बेहतर है, फिर भी और जगहों से मुझे काफ़ी आप लोग आओ, ढकी हुई नजर आप लोग आओ, एटलीस्ट आप इंस्पेक्शन करें अपनी। वैसे ये क्यों नहीं ढका हुआ अब्बास भाई? नहीं, आपने MRTs नहीं लगाई हुई, एक्सपायरी नहीं लगाई हुई। एक यानी कि घंटे का भी माल है, लेकिन अब्बास भाई वो तो जो लेके जाते हैं उसको तो नहीं पता ना कि वो कितना इसको। ये क्या है? ये तो शामी का, इसके ऊपर भी आपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी नहीं डाली हुई, MRDs नहीं डाली। ठीक है सर, ये दूध आपने मीट के साथ रखा हुआ है, ये निकलवा दें, ये क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, निकलवा दें अभी, निकाल लें बेटा, ये साइड में कर लो। ठीक है। लेकिन हमारी ये खुशी महज चंद मिनटों की थी, क्योंकि मजीद अंदर वाले कारखाने में लाल बेगों का टोला हमारा मुंतजर था। मक्खन ही है ना ये बेटा? मक्खन कॉकरोच अब्बास भाई। बेकरीज का मैंने क्या बोला था, पेस्ट का इशू है, और ये बार बार इनको हम बोलते हैं, फिर भी ये इनकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट थी बेकरीज की। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर भी गंदगी ने हमारा इस्तकबाल किया। केक और केक रस और केक स्लाइस बने हुए जंग आलू सांचों में सजे जमीन पर रखे हुए थे। ये जब इसमें जाता है ना तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, अंदर वाली जगह आपको साफ मिलेगी, क्लीन मिलेगी। एक सेकंड, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि ये जो फूड आइटम होता है ना वो जमीन के ऊपर नहीं रखते, कम से कम भी 9 से 10 इंच का फर्क होना चाहिए। चला आपको 9 से 10 इंच की हाइट पे रखते हैं, इतना बिल्कुल जमीन के साथ लगा के नहीं रखते। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत कम होगी। यहाँ पर भी काम करने वालों का हुलिया बिल्कुल भी ठीक न था, जिस पर सिंध फूड अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर ने उनकी खूब क्लास ली। आप यहाँ वर्कर हैं? ये सही है, ये देखे ना, इनकी भी हाइजीन का कोई वो नहीं है, कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, हेयर नेट नहीं पहने हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए। नीचे खाने का सामान और ऊपर टूटी हुई छत, जिससे मट्टी गिरकर खाने की चीजों को खराब कर सकती है, और अगर छत ही गिर गई तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। ये गिर ना जाएगा भी अब्बास भाई, ये अलग मसला आ जाएगा हमारे सर पे। यहाँ पर एक और इंकशाफ भी हुआ कि बर्तनों को सर्फ से धोया जा रहा था, जो किसी भी तौर पर ठीक नहीं। वॉशिंग के लिए सर्फ यूज हो रहा है वहाँ पे, जो जिसमें हम बेग वगैरह करते हैं, ट्रे वगैरह, वो सब वगैरह जो सर्फ से वॉश हो रही है। अब्बास भाई सर्फ से धो रहे हैं आप बर्तन? सर्फ से ये डिटर्जेंट अलाउ नहीं होता, पता है आपको? बच्चे निकाल के लाए सर, वहाँ तक तो ठीक था जो पैक था, उस मेरे ख्याल से जाने का माल था, वो यहाँ वही है सूरत हाल सारी। सिंध फूड अथॉरिटी की डेप्यूटी डायरेक्टर साउथ मरियम तालपुर ने बताया कि वो बेकरीज पर 2 लाख तक के जुर्माने आयद कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग होश के नाखून नहीं लेते। डॉक्टर साहब, ये तकरीबन सारी जगहों पे आपने निकलने से पहले ही बताया था, ये सब जगहों पे क्यों है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा सीरियस? ये बेकरीज वाले थोड़े से हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। हमने बेकरीज काफ़ी, हमने बहुत बड़े बड़े जो 2-2 लाख तक के भी जुर्माने हमने किए हैं। कोई बहुत बड़ी बेकरी थी कराची की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उस पर भी हमने 2 लाख का किया, अभी वो काफ़ी पहले से बेहतर है। तो इनको भी हम लोग इम्प्रूवमेंट नोटिस देंगे, फिर उसके बाद अगर दोबारा इनके अंदर अगर नई इम्प्रूवमेंट आती तो फिर हम इनको फिनलाइज करेंगे, फिर हमारे पास और कोई वे नहीं होगा। ये देखे ना, एक तो सबसे जो आपका मुझे चीज जो मेरा दिल घबरा रहा है इधर आके, वो ये आ रहा है कि आपने लाइटिंग इतनी डल की हुई है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या हुआ है इधर। सर आप बेफिक्र, एक मौका दें, हमारे पास पहले कोई नहीं आया, अगर आया होता तो हम करवाते, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको लाइसेंस है। घी हटी के जरा, ये घी अब्बास भाई ऐसे तो ना रखें, घी खुदा का वास्ता है, ये देसी घी तो नहीं है? दिल खराब हो जाएगा मेरा घी से, ये देखें, ये ठीक है करवा देते हैं इसकी सवारी। वैसे तो ये पैक होता है, इसमें कोई चीज नहीं आती। ये बंद होता है, वैसे ये बंद होता है ऐसे, इंशाल्लाह ये जो देखें होने वाली चीज तो हो सकती है, खाने पीने की चीज है। जी जी, ये जरा बैठा हुआ है।
बहुत सी चीजें और भी ऐसी थीं जिस पर चेक लिस्ट बनाकर सिंध फूड अथॉरिटी ने मदीना बेकरी के मालिक को दी, ताकि इन चीजों को 15 दिन के अंदर ठीक किया जा सके और ना ठीक करने की सूरत में बेकरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा मैडम, ये इनकी जो है चेक लिस्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं वो सब आपके सामने हैं। फाइंडिंग्स में क्या क्या आप लोगों ने फाइंडिंग्स देखी है? फाइंडिंग्स में इसमें ये ओपन डस्टबिन्स हैं, एमआरडीज सबसे ज़्यादा मैटर है, कहीं पे भी आपकी जो है एक्सपायरी डेट नहीं लगी हुई, फूड अनकवर्ड है, आपको उसके ऊपर जो एक नेट आता है या वो रखें या जो एक रैपर आता है प्लास्टिक फूड ग्रेड रैपर आता है वो रखें, क्रॉस कंटेमिनेशन आपको मैंने बताई, फ्रिज आपको ठीक है काम सही कर रहा है लेकिन उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन होना चाहिए। जो आपने दूध भी रखा हुआ था, हाँ, कबाबों के साथ दूध रखा हुआ था, मीट के साथ दूध, डेयरी प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, मीट अलग होना चाहिए, हर चीज़। दूसरा पर्सनल हाइजीन, आपके वर्कर्स नेट वगैरह नहीं पहनी हुई, कॉकरोचेस, आपको फ्यूमिगेशन की सख्त ज़रूरत है, इसको पूरा ये काला काला हो रहा है, इसको प्लीज़ बनवाइए, किसी के सर पे लगा तो मसला हो जाएगा। इसके अलावा सर्फ से आप चीज़ें वॉश कर रहे हैं, ये सारी फाइंडिंग आपको हम दे के जाएंगे। इसके अलावा डर्टी और अनकवर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्डअप ये इधर मैं ऐड कर देती हूँ कि ट्रेज जो हैं वो साफ़ नहीं है, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट्स आपने वर्कर का नहीं दिखाया, दे दें, अभी नहीं है ना, मेडिकल इज नॉट, तो ये चीजें हैं कि आप साइंस के इससे मैं एक मौका तो देना, प्रोडक्शन सस्पेंड होनी चाहिए आपकी, जो आपकी हालत है आप जो है ना इसको बेहतर करें, आप ये 2 लाख का 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से इन पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। 50,000 का कर दिया फाइनल, 2 लाख का। हम लोग चाहते हैं कि पहली दफा इनको इतनी ज्यादा हम पेनल्टी ना कर दें कि ये फिर इम्प्रूवमेंट ना करें। डेफिनेटली देखिए, प्रोग्राम का मकसद भी ये होता है कि किसी के बिजनेस को बंद करना नहीं है, मकसद सिंध फूड अथॉरिटी का दोनों की तस्वीरें ले ली होता है कि आप चीज़ों को प्रूफ करें, आप प्रूफ करेंगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, कोई आप 2 नंबर काम थोड़ी करना, लेकिन इससे क्योंकि डायरेक्ट इंसानी जिंदगी का मामला है, इस वजह से ये आपको जी नाजीन, ये डिप्टी डायरेक्टर साहिबा के साथ हम लोगों का एक विजिट था और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखी। मैडम, जो आपकी फाइंडिंग्स थी बिल्कुल सही थी, खासतौर पे अगर हम बेकरी आइटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मसाइल आ रहे हैं, लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी का ये अच्छा एक इकदाम है कि आप लोग डेली बेसिस की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन तमाम लोगों को जो अभी भी ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं? यही है कि अभी सिंध फूड अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, हमारे डेली बेसिस अगर आप चेक करें तो हमारे बहुत सारे एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बेकरी का मैंने आपको पहले ही बताया था, बेकरी की एक तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो पेस्ट को खाना बहुत मिल जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पेस्ट, और बेकरी को कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है। रेस्टोरेंट तो ये हो गया, चलो साफ़ हो गया, खाना पक गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई, यहाँ तो इनका ये कि वो चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं, आटा रखा हुआ है, आटा तो पेस्ट को करता है अट्रैक्ट। तो ये मैसेज सारी जो हमारी बेकरीज हैं सबके हैं कि नो डाउट बेकरीज को संभालना रेस्टोरेंट को संभालने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस उसकी अगर आप उसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे, कंटिन्यूस सफाई रखेंगे, फ्यूमिगेशन करवाएंगे, अपने वर्कर्स का मेडिकल करवाएंगे, तो भी आपकी 60-70% तो इम्प्रूवमेंट आपकी उसी में आ जाएगी। बाकी तो जो ऊपर वाली चीज़ें हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम इनको बता चुके हैं इस बेकरी को कि आपने मेजर फाइंडिंग्स हैं, मेजर पेस्ट हमने पकड़े हैं, कहीं पर हमें माउस कैचर नहीं मिला, कोई हमें इनकी तरफ से कोई फ्यूमिगेशन का रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ये फ्यूमिगेशन करवाएं, इस पर काम करें। जहाँ पर गए थे वहाँ पर यही ज़रूरत है। तमाम देखने वालों को मैसेज देना चाहूँगा, हरगिज़ मकसद सिंध फूड अथॉरिटी का हमारा ये नहीं कि हम आपका कारोबार बंद करा दें, हमें पता है मुल्की हालात क्या होते हैं, लेकिन जो चीज़ आप बना रहे हैं ज़ाहिर है आप उसके पैसे ले रहे हैं, अपने मुंह मांगे पैसे ले रहे हैं, तो आवाम को जो है वो अच्छी चीज़ फराम करें, वरना सिंध फूड अथॉरिटी के छापे इसी तरह पड़ते रहेंगे और आप लोगों पर जुर्माने होते रहेंगे, जी हमारा तो कुछ नहीं जाना है। वकास, आपका ही बहुत शुक्रिया, और ये आपकी पूरी टीम थी, इन्होंने बड़ा एक्टिवली चीज़ों को निकाला, मुझे बड़ी खुशी हुई, काफ़ी यंगस्टर बच्चे हैं लेकिन बहुत एक्टिवली इन्होंने चीज़ों को निकाला, तो आप देख लेंगे इतने एक्टिव बच्चे आएंगे इतना हम नहीं निकाल पाएंगे जितना ही निकाल देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।